नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल रोस्टिक रिव्यू में। तो गाइज, बहुत आज ठंडी है और यही ठंडी में आप लोगों को मैं लेकर आया हूँ एक गर्मी महसूस कराने वाली वेब सीरीज, यानी कि हॉट वेब सीरीज, जिसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटे को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप आसानी से कोई भी वेब सीरीज देख लें। और अगर आप ये वेब सीरीज देखना चाहते हैं, उल्लू का सब्सक्रिप्शन हम नहीं लिए हैं तो उसका भी समाधान मैंने निकाल रखा है, आगे वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए, आज का जो वेब सीरीज है जिसका मैं रिव्यू करने वाला हूं, उस वेब सीरीज का नाम है गेम्स ऑफ कर्मा का छल। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो चलिए थोड़ा सा इसका मैं स्टोरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे तो इसमें बहुत सारे करेक्टर्स हैं, लेकिन मेन जो करेक्टर है वो है एक लड़की का और एक उसके हस्बैंड का। हस्बैंड तो अभी नहीं है, मतलब कि वो शादी करने वाली है, तो इसी दोनों पर आधारित ये स्टोरी आपको देखने को मिलेगा। और जो लड़की रहती है उसका नाम रहता है चंचल, और ये जो चंचल रहती है वाकई में बहुत ज़्यादा चंचल रहती है, बहुत ज़्यादा। बोले तो ये ऐसे ऐसे स्मगलिंग भी करती है। ये तो पहले काम करती है ब्यूटीशियन में, यानी कि ब्यूटी पार्लर में काम करती है, और वहाँ पर जितनी भी सारी लड़कियाँ आती हैं ब्यूटीशियन कराने अपना, उन सारी लड़कियों का वो क्या करती है, किडनैपिंग करवा देती है, यानी कि स्मगलिंग करवाती है। स्मगलिंग करवा कर उससे उन लड़कियों से वो क्या करती है कि पैसा बहुत सारा कमाती है। इसका एक ख्वाहिश रहता है कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊं, तो ये बहुत सारा पैसा तो कमा लेती है, लेकिन सारा चीज़ जो होता है, एक इसके ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत खटकती है, वो है उसका हस्बैंड का, यानी कि वो शादी करना चाहती है, एक अच्छा हस्बैंड ढूंढना चाहती है। तो वो हस्बैंड भी ढूंढ लेती है और शादी भी उन दोनों के साथ फिक्स हो जाता है, बातों तो भी करती है। आगे स्टोरी जाता है, देखिए कैसे आगे स्टोरी जाता है, क्या कि ये 15 मार्च 2020 में इसका शादी का डेट फिक्स हुआ रहता है, ठीक है। अब ये क्या करती है कि सारा चीज़ तैयारी वारी करके गाड़ी वाड़ी में, मतलब कि पैक उंग करके निकल रही होती है, तो रास्ते में इसका क्या होता है कि गाड़ी का टायर या पंचर या ख़राब हो जाता है गाड़ी। अब गाड़ी जब ख़राब हो जाता है तो उसका उसी दिन शादी रहता है। अब ये क्या करते हैं कि थोड़ा, मतलब कि वहाँ पे वीरान स्थान में गाड़ी पंचर हो गई है, यानी कि गाड़ी ख़राब हो गई, तो करेंगे क्या, तो करते क्या है कि एक लिफ्ट मांगती है। अब लिफ्ट मांगती है तो वहाँ भैया और भाभी दोनों जाना, मतलब कि ये गुरुद्वारा भेजे हुए, मतलब कि दूत होते हैं। अब गुरु महात्मा है तो दूत तो होंगे ही, तो ये उनके द्वारा भेजे हुए दूत होते हैं। अब क्या करती है कि ये दोनों क्या करते हैं, उसको लिफ्ट देते हैं, लिफ्ट में देते हैं तो वो, मतलब कि इसके गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठती है तो ये लड्डू उसको खिलाते हैं, लड्डू यानी कि उसका प्रसाद, बाबा जी का प्रसाद। गेम्स ऑफ कर्मा का वो बहुत सारे पार्ट्स आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो पहले जाकर देख लीजिए, तो पता चलेगा कि बाबा कौन है, ठीक है। तो बाबा जी का, मतलब कि ये प्रसाद खाती है और वहीं पर वो बेहोश हो जाती है, गाड़ी में ही बेहोश हो जाती है। आगे स्टोरी क्या होता है कि गाड़ी में बेहोश हो जाती है, अब निकल जाता है बाबा जी के आश्रम में। जब बाबा जी के आश्रम में जाती है तब क्या होता है कि जब होश आता है, सुबह सुबह होश आता है, तो कहते हैं कि अरे ये मैं कहाँ आ गई हूँ, आज तो मेरी शादी है, मतलब कि पूरा एकदम पागल जैसा व्यवहार, पागल जैसा सारा चीज़, वस्त्र वस्त्र सारा चीज़ बाबा जी पहनवा, मतलब कि पहना दिए रहते हैं लोग। अब ये कहती है क्या, आज तो मेरी शादी है, और बाबा जी कहते हैं क्या कि तुम्हारा शादी कब था, तो वो कहती है क्या मेरा शादी तो आज ही, यानी कि 20 मार्च 2020 में था। तो ये कहते हैं कि अरे ये तो 20 मार्च 2020 नहीं है, ये तो 2035 चल रहा है। अब ये तो, मतलब कि अगर हम कहते हैं कि इतनी जल्दी इतने साल कैसे बीत गए, मतलब कि उसको विश्वास नहीं होता है। तब विश्वास नहीं होता है तो क्या करते हैं कि उसमें जितनी भी सारे, मतलब कि पागलखाने में रहती हैं लोग, बाबा जी के आश्रम रहते, सबसे पूछती है, तो सब लोग कहते हैं कि हाँ ये तो 2035 से चल रहा है। लास्ट में क्या होता है कि उसका पियोन से जिससे शादी लगा रहता है वो भी आता है, उसका हस्बैंड, तो हस्बैंड तो अभी नहीं बना रहता है, तो वो भी आता है, तो उससे भी पूछते हैं, तो कहता है कि हाँ अब तो 2035 चल रहा है अब शादी के बारे में। अब ये मतलब कि इसी सोच में डूबी रहती है कि आखिर ये हुआ क्या है। तो गाइस, गेम्स ऑफ कर्मा, उनको तो यही लगता है कि गेम्स ऑफ कर्मा, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि ये दूसरों को किडनैपिंग करवाती है, एक दिन इसी का किडनैप हो जाता है और दूसरे का ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, तो एक दिन इसका भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। तो यही स्टोरी आपको इस
वेब सीरीज में देखने को मिलेगा और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। बाबा जी के साथ जो भी सीन देखना चाहते हैं वो सारा सीन इसमें देखने को भी मिलेगा। तो अगर आप ये वेब सीरीज अगर उल्लू का सब्सक्रिप्शन लिए हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं लिए हैं और ये वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको प्रबंध करा दिया जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी वेब सीरीज हो, उल्लू का ये ही वेब सीरीज हो या कोई भी वेब सीरीज हो, आप लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, यही स्टोरी था और यही आप लोग के लिए सीक्रेट भी था कि कैसे देख सकते हैं। तो मैंने आप लोग के लिए दोनों का समाधान निकाल रखा है। और चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंचे और आप कोई भी वेब सीरीज हो या ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरह से देख सकें। और फुल HD में आपको मिलेगा, जैसा चाहिएगा 720 में भी मिलेगा, 1080p भी मिलेगा। वैसे तो 720 पर ज़्यादा आता है, ये जो भी वेब सीरीज होता है वो 720 पर ही आता है, तो आपको 720 में ही मिलेगा। और आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पर मंगाइए, देखिए, मज़ा उठाइए। सब्सक्रिप्शन लिए हैं तो भी और नहीं लिए हैं तो भी, क्योंकि उल्लू सब्सक्रिप्शन चार्ज लेता है तब जाकर आपको उसका प्लेटफॉर्म पर आप कोई भी वेब सीरीज जो आता है वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी वेब सीरीज के साथ हम लेते हैं विदा, मिलते हैं एक अगले हॉट वेब सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।